अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी निम्को चिप्स, या आप इसको क्रिस्पी चिप्स भी कह सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 आलू लेकर उनको छील लिया था, और अब मैं इनके बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस काटूंगी। आप जितने पतले स्लाइसेस काटेंगे उतने ही आपकी चिप्स क्रिस्पी बनेगी। और अब मैं इनको लंबाई में काटूंगी। लंबाई में भी इनको बहुत ही पतला पतला काटना है, और आलू आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने चाहें उतने ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चिप्स काट ली है। अब इस बाउल में मैंने 1 कप लिया है पानी, और इस 1 कप पानी में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक चाहे तो आप इसका चख भी सकते हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालूंगी क्योंकि बाद में चिप्स में कोई नमक नहीं जाएगा। अब इसमें मैं नमक मिक्स करके इसमें आलू डाल दूंगी जो हमने चिप्स बना के रखी थी। मैं इसको तकरीबन इस पानी में 5 से 10 मिनट के लिए रखूंगी। 5 से 10 मिनट बाद अब मैं इनको छान कर फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इस पानी में दूसरी चिप्स भी ऐड करके रख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रही हूँ। इसको फ्राई बहुत ही लो फ्लेम पे करना है, जितनी हम दम के टाइम पे रखते हैं उतना। और अभी बस इसको मैं थोड़ा सा चमचा चलाकर अलग कर रही हूँ ताकि आपस में चिपक ना जाए, और फिर 2 से 3 मिनट तक इसमें चमचा नहीं चलाना। 2 से 3 मिनट बाद अब मैं इसमें चमचा चला रही हूँ, और अब मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। पोटैटो चिप्स यहाँ पे बन चुकी है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुना देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।